असलम मेरा नाम नोफिल अली है मैं आपको एजुकेट स्कूल बिल्किस कैम्पस बॉयज़ कैम्पस में आपको वेलकम करता हूँ ऑनलाइन लेक्चर पे आज हमने केमिस्ट्री पढ़नी है अच्छा केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर फोर पढ़ना है स्टार्ट से पढ़ना है इसको साथ साथ समझ समझिएगा पेज नंबर है इसका फिफ्टी एट वहाँ से शुरू हो रहा है और फिफ्टी नाइन भी आज हमने कवर करना है पेज नंबर फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन जो जो टॉपिक्स हैं इनको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं सबसे पहले जो इस चीज में उसने बात की है इस टॉपिक में उसने सॉरी चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का ढांचा ढांचा होता है उसकी साख्त यानी अगर हम इंसान के साख्त की बात करें तो उसका एक चेहरा होता है उसके दो बाजू होते हैं टांगे होती हैं इसी तरह मॉलिक्यूल में क्या क्या चीजें होती हैं हमने वो स्टडी करना है सबसे सब पहली चीज आ, उसने बताई है नंबर की लाइन में उसने लिखा है बिल्डिंग यूनिट्स एटम्स किसी भी चीज से मिल के जो चीज बनती है कोई भी चीज हो दुनिया की वो कोई भी चीज हो उसके मिल बनने में जो चीज मदद देती है वो होते हैं एटम्स तो एटम उसका क्या लाता है बिल्डिंग यूनिट अच्छा बिल्डिंग ब्लॉक या बिल्डिंग यूनिट इस मुराद यह है जैसे आप लोग घर बनाते हैं तो घर में हमें ईंटें चाहिए होती हैं उसको जोड़ते हैं तो पूरी एक दीवार बनती है और दीवार के बाद एक मकान बनता है कमरे बनते हैं मकान बन जाता है इसी तरह एटम्स जब सारे जुड़ते हैं तो उसके बाद क्या बनता है मेरे पास मॉलिक्यूल बनता है बात समझ आ रही कि नहीं आ रही इसी तरह हम इसको एटम को कहते हैं कि बिल्डिंग यूनिट कहते हैं कि ये हर चीज के बनने में मदद देता है दुनिया में कोई भी चीज़ है वो सबसे यानी कोई भी चीज है कोई भी एलिमेंट है कोई भी चीज सब्सटेंस एटम से मिलकर बनता है अच्छा एटम्स में इकट्ठे रहते हैं एक खास फोर्स की वजह से जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में जुड़ के रहते हैं किसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अब ये इसके टाइप्स हैं कितने टाइप्स हैं क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं कौन सी फोर्स किस तरह के एटम को जोड़ के रखती है ये सारा हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है अच्छा अब आ जाते हैं हम पेज नंबर फिफ्टी नाइन पे इसके टॉप पे मैं स्टडी कर रहा करूँ आप लोग साथ साथ बुक पे भी देखें इट इज यूनिवर्सल रूल दैट एवरी इन दिस वर्ल्ड टू बिकम मोर स्टेबल हर चीज ये दुनिया का कानून है जी पूरी कायनात का सूल है हर चीज खुद को स्टेबल करती है टेंड्स होता है करना स्टेबल uh, करना अब स्टेबल से मुराद क्या होता है uh, अगर आप लोगों ने देखा आसमान से कोई चीज़ गिर रही हो कोई पत्ता गिर रहा हो ना वो बहुत आराम से झूमता झूमता नीचे आ रहा होता है बहुत आराम से उसका वजन इतना नहीं होता कि वो एकदम नीचे आके अपने आप को बैलेंस कर ले वो आसमान से कभी छोटे छोटे वो फीदर्स गिर रहे होते हैं जो परिंदों के पत्ते होते हैं वो इतनी स्लो वो पत्ते से भी स्लो आ रहे होते हैं तो वो उनका वजन पत्ते से भी छोटा होता है तो वो स्टेबल नहीं होते इतने यानी इतना वजन हो कि वो आप अपने वजन रख सकें कहीं पर किसी भी चीज़ को फेंकें तो वो अब मॉलिक्यूल का इससे क्या ताल्लुक है मॉलिक्यूल का ताल्लुक है कि उसका जो शल है एटम का जो शेल है मॉलिक्यूल का जो शल है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा स्टेबल डिपेंड्स अपॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करता है ये इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ज्यादातर हम बात करते हैं इन आउटर मोस्ट ठीक है जी अब मैं इसके थोड़े से एलैरेशन की तरफ जाता हूं जी सबसे जो पहला शेल होता है ना सबसे पहला शेल उसमें दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर ये न्यूक्लियस है ना उस जो पहला शेल आता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कितने होने चाहिए जी दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका जो पहला शेल होगा वो स्टेबल होगा यानी वो कंप्लीट होगा वो कुछ भी आप कह सकते हैं वो कंप्लीट होगा बात समझ आ रही कि आ रही अच्छा अब इस कानून को कि पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसको हम कहते हैं डुप्लेट क्या कहते हैं डुपलेट एक दो तीन तीसरी लाइन में लिखा है साइन ऑफ स्टेबिलिटी अच्छा अब चौथी लाइन में आ जाए अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल कोई मुश्किल यहां तक यानी दो शेल पहले शेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या कहलाता है डुप्लेट और एक और सात लाइन लिखी है पहले शेल के बाद बारी आती है हमारे पास दूसरे शेल की तो पहले शेल में अभी मैंने बताया दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए दूसरे शेल में कंप्लीट होने के लिए आठ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो अटेनिंग एट इलेक्ट्रॉन्स पहली डेफिनेशन को देखते हुए अगर मैं चलूं उसमें था टू इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल इज कॉल्ड एंड अटेनिंग एट इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन जी एट इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको कहते हैं ऑक्टेट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को पता होगा ऑक्टल हम उसको कहते हैं जिसको जिसकी बेस एट हो Octal और इसी रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल और ऑक्टेट समझ आ गया कोई मुश्किल जिनके ये वाले शेल कंप्लीट होते हैं ना जिनके ये वाले शेल कंप्लीट होते हैं वो होते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं स्टेबल मॉलिक्यूल सॉरी आई एम सॉरी स्टेबल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं जिनके वो फिल्ड है यानी अगर दो चाहिए है तो दोनों हैं आउटर मोस्ट शेल में पहले शेल में और अगर आठ चाहिए तो आठ के आठ है तो ऐसे कौन सी से होती हैं ऐसे कौन से मोलिक्स होते हैं जिनके कम्प्लीट होते हैं तो वो हम लोग देखते हैं वो हमारे पास आते हैं नोबल गैसेस में सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है नोबल गैसेस अगर ऐसी गैस है ना जिसका एक ही शेल है नोबल गैस में से कोई ऐसी गैस है तो उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है तो वो नोबल गैस है और अगर नोबल गैस की कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आ, दो शेल होंगे उसके मॉलिक्यूल में तो उसमें आठ के आठ पूरे हैं तो इसको हम कहेंगे ऑक्टेट रूल नोबल गैस के चाहे डुपलेट वाले मॉलिक्यूल्स हैं चाहे ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं अच्छा अब अगर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो एक वो किसी और से लेगा ऐसे ही है ना या वो ये भी है किसी को दे देगा तो जब दो पूरे ना वो किसी से लेगा ना वो किसी को देगा तो इसको कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन में सेकंड पैराग्राफ के लिखा हुआ है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं पेज नंबर फिफ्टी नाइन के सेकंड पैराग्राफ की फोर्थ लाइन में लिखा है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना वो लूज करते हैं ना वो किसी से लेते हैं ना वो किसी को देते हैं और ना वो किसी के साथ शेयर करते हैं दो इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए दोनों ही पूरे हैं आठ इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए आठ के आठ पूरे हैं तो वो ना किसी को देंगे ना वो इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे तो जो बंदा किसी से ना पैसे लेता है ना पैसे किसी को देता है अपने काम से काम रखता है तो उसको हम कहते हैं नेक बंदा तो इन गैसेस का नाम भी नोबल गैसेस नोबल का उर्दू में मीनिंग होता है नेक ये ना इलेक्ट्रॉन किसी को देती हैं ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं ना शेयर करती हैं इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन किसी को दिया नहीं जाता तो वो इनर्ट गैसेस कहलाती हैं क्या कहलाती हैं इनर्ट गैसेस इनर्ट का लफ्जी मतलब है नॉन रिएक्टिव किसी के साथ रिएक्ट नहीं करने वाली सेकंड पैराग्राफ में कोई मुश्किल भाईजान यहां तक समझ आ गई अब आ जाए एक वर्ड यहां पे बहुत ज्यादा लिखा है इस पेज में अकोमोडेशन अकोमोडेट का क्या मतलब होता है अच्छा यार मुझे ना मुझे क्या चाहिए भाईजान मुझे कोई सौ रुपया चाहिए किताब लेने के लिए मेरे पास पचास रुपये हैं दस रुपये मैं अपने भाई से लेता हूँ और फिर चालीस रह गए चालीस रुपये मैं अपने फादर से लेता हूँ मैं अपनी किताब ले लेता हूँ ये मैंने क्या किया अकोमोडेट कर लिया यानी कुछ मैंने अपने पैसे डाले कुछ किसी से लिए और कुछ किसी से लिए और मैंने क्या कर लिया अकोमोडेट कर लिया इलेक्ट्रॉन्स के केस में मॉलिकल अकोमोडेट किस तरह करता है उसको दूसरे शेल में कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए आठ चाहिए यही बताया अभी मैंने बड़ी डिटेल से बात की है इसमें आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो दो तरह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा <coughs> अकोमोडेट करेगा आठ का हाफ कितना है चार चार से अगर कम हो तीन दो एक तीन हो या दो हो या एक हो हाफ से कम है तो वो किसी को दे देगा वो क्या करेगा किसी को दे देगा और अगर चार का हाफ आठ का हाफ चार है अगर पांच से ज्यादा है तो कितने काम है जी पांच है तो वो तीन किसी से ले लेगा दो किसी से ले लेगा एक किसी से ले, ले लेगा जब वो किसी से लेगा इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर माइनस आएगा तीन लेगा इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएगा माइनस थ्री दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस टू और एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस वन और जब इसी तरह जब वो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है एक देगा तो प्लस वन दो इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस टू तीन इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस थ्री कोई मुश्किल यहां तक ये तीन लाइनें लिखी हैं हाउ एक दो तीसरे पैराग्राफ के बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन आप लिख सकते हैं ये बोर्ड में आया हुआ है हाउ एन एटम कैन अकोमोडेट एट इलेक्ट्रॉन इट्स बाय गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इफ दे आर लेस देन फोर टू अदर एटम्स अगर चार से कम है तो वो किसी को दे देगा थ्री लिखा है इसको काट के फोर कर लीजिए बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन और मोर देन इन इनट या वो किसी से कर लेगा अगर पांच से ज्यादा है तो वो किसी से ले लेगा और जितने लेगा उतना माइनस साइन आ जाएगा आखिरी लाइन और आखिरी बात हमारे इस लेक्चर की टॉपिक की इसको ध्यान से देख लीजिए पेज नंबर फिफ्टी नाइन खत्म हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको केमिकल बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बताएंगे आपको हाँ केमिकल बॉन्ड भी थोड़ा सा आज बता दूंगा अच्छा यार शेयर करना क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं क्या करता हूं यार एक पेन है मेरे पास पेपर करने के लिए पेन तो चलो खैर ज्यादा ही हो जाएगा एक मार्कर है मार्कर से हम क्वेश्चन लिखते हैं पेन से हम आंसर्स लिखते हैं मेरे साथ मेरा फ्रेंड पेपर कर रहा है उसके पास भी मार्कर नहीं है मैंने अपना मार्कर उसके साथ शेयर करना है मैं उस मार्कर को मिड में रख दूंगा कि यार जब तुम्हें जरूरत पड़े तुम इस्तेमाल करो मुझे जरूरत पड़े तो मैं इस्तेमाल करूँ ये होता है शेयरिंग यही होता है ना अब इसी तरह एक मॉलिक्यूल को चाहिए कंप्लीट करने के लिए एक एटम को दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्या चाहिए दो चाहिए दो इलेक्ट्रॉन्स पहले शैल के लिए एक इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद है एक उसने अपने नेबरिंग से लिया एक उसने अपने नेबरिंग, नेबरिंग से इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है ये जब घूम के इधर आएगा इस जगह पे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे इसका जो इस वाले का इलेक्ट्रॉन है ना इसका नाम अगर ए है और इसका नाम मिसाल के तौर पर बी है ए वाले का इलेक्ट्रॉन इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर आ जाएगा और इस ए के सर्कल में दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे एक दो ठीक है जी फिर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ये जब घूम के इधर आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन घूम के इसकी जगह पे आ जाएगा इस बी के सर्कल में भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे उस चीज तो कहलाती है शेयरिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन भी इस तरह शेयर हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं बात समझ आ रही कि नहीं आ रही कोई मुश्किल नहीं आता लास्ट टॉपिक है जी इस लेक्चर का शेयरिंग पे हमने बात की अच्छा आज चले मिलकर ठहरते केमिकल था। बॉन्ड अच्छा जी इसको ध्यान से समझिएगा जरा बॉन्ड होता है जुड़ने की जोड़ने की सलाहियत जो दो चीजों को आपस में जोड़ के रखे एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींचने की कशिश की ताकत जो दो एटम को आपस में जोड़ के रखे जो दो एटम को आपस में जोड़ के रखे वो इकट्ठे रहे इस चीज को कहते हैं केमिकल बॉन्ड बात समझ आ रही है केमिकल पहली लाइन है जी सेकंड लास्ट पैराग्राफ की अ अ अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन सब्सटेंस जो उनको होल्ड होता है रखना पकड़ के रखना एक साथ टुगेदर एक साथ एक, एक सब्सटेंस के अंदर वो क्या कहलाता है केमिकल बॉन्ड कहलाता है कल कहला हम इसके टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे जी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें सबके कर साथ शेयर करें और अपना होमवर्क भी करें बातें ना करें अल्लाह हाफ